अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है। मैं वसीम अब्बास, तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मेरा। इस टाइम मैं मौजूद हूँ चिलबार पे। आज मेरा मूड था मैं अपना ब्राउनी आइसक्रीम ट्राई करूँ और आप सब दोस्तों को भी दिखाऊँ, मतलब रिव्यू करके ब्राउनी आइसक्रीम का। अभी एक ऑर्डर करेंगे ब्राउनी आइसक्रीम का, उसके बाद आपको दिखाएंगे टेस्ट कैसा है, सर्विंग कैसी है चिलबार की ब्राउनी आइसक्रीम में। तो ऑर्डर करते हैं एक। तो जी हाँ, चिलबार पे पहुंच चुके हैं हम। वैसे यहीं होते हैं, आज थोड़ा दूर थे तो ब्राउनी ऑर्डर करेंगे। भाई जान, एक ब्राउनी आइसक्रीम तो लगवा दें। ब्राउनी विद आइसक्रीम, चॉकलेट वनीला स्ट्रॉबेरी किसके साथ? अपना मिक्स आइसक्रीम के साथ लगा दें। मिक्स नहीं होती सर। सर आप कर देना चॉकलेट वनीला मिक्स के साथ। हमारे कस्टमर खराब कर रहे हैं यार। एक ब्राउनी विद आइसक्रीम लगाओ। सर्विस मिक्स एक, हाँ एक ज़रा वी आई पी करके लगानी है। ये क्या नहीं है ये जी, बच्चा ब्राउनी लगा रहा है। ये गरम की है, अभी इस पे चॉकलेट सॉस जाएगा। ये है जी हमारी ब्राउनी। तो ये है जी हमारी ब्राउनी गर्मा गर्म, हाथ नहीं रखा जा रहा नीचे, कितनी गर्म है ये। चलें अभी आइसक्रीम लगाएंगे भाई साहब। क्या ज़रा वी आई पी लगाना आइसक्रीम, हार्ड हो रही है, ऐसे तो ना करो यार। तो आइसक्रीम लगा रहे हैं। ओए अभी इस पे टॉपिंग होगी ओरियो क्रम्स की। भाई टॉपिंग तो करो ओरियो की। तो जी हाँ, ये रही हमारी ब्राउनी आइसक्रीम। असल में इनकी चिलबार की जो ब्राउनी है ना, ज़्यादातर रनिंग में वनीला आइसक्रीम के साथ है। कस्टमर डिमांड पे ना चॉकलेट के साथ भी देते हैं ये। मैंने वरल मिक्स में लगवाई है ये, बाहर लेके आया हूँ मैं। ओए होए, रोड पे खड़ा होके खाऊंगा मैं। भाई जान, चिलबार के सामने रोड पे ठंडा और गरम मिक्स करके खाने का मज़ा ही अलग है। दोस्तों ठंडा और गर्म मिक्स करके खाने का मजा ही अलग है। आप भी एक दफा आए इस बार की ब्राउनी ट्राई करें और ट्राई करके हमें अपने रिव्यू दें, हमें बताएं कि कैसी लगी। मुझे तो बड़ी अच्छी लग रही है, दिखने में भी और टेस्ट करने में भी। तीन चॉकलेट कौन भाई लगा? किसकी? इस गड्डी की। तो उस गड्डी की क्या बोल? तीन चॉकलेट कौन यार, एक सिंपल ब्राउनी तीन चॉकलेट कौन। कहता हूँ इस जैसा टेस्ट तो आपको पूरे मुल्तान में नहीं मिलना। आप एक दफ़ा आएँ, ज़रूर ट्राई करें यहाँ पे, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा।
मज़ा ना आया तो पैसे वापस, ये गारंटी है मेरी। नवीद साहब बाइट ले रहे हैं, ओए हो। भाईजान कैसी लगी? नवीद साहब कैसी लगी? ऐसे तो ना करें यार, यार मुझे को दे रहे हो कौन? ये देखें थैंक यू फॉर योर रिव्यूज एंड सजेशन। ये है जी सिंपल ब्राउनी। अगर कोई भाई, कोई कस्टमर विदाउट आइसक्रीम लेना चाहे तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। पार्सल कराना चाहे कोई भाई, वो सिस्टम भी अवेलेबल है यहाँ पे। कस्टमर डिमांड पे ना हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। आप एक दफ़ा आए, विज़िट करें और अपनी राय ज़रूर दें कमेंट में, कैसी लगी आपको ब्राउनी। दास बैठे हैं, ये चल के इनसे पूछते हैं क्या चक्कर है भाई, ये बच्ची बच्ची तो नहीं छोड़ गई। भाईजान मैं कब से नोट कर रहा हूँ आप बड़े उदास बैठे, मुंह क्यों छुपा रहे हैं भाईजान? दसो कह रहे उदास क्यों बैठे हैं, क्या हुआ यार मुंह क्यों छुपा रहे हो? यार ये उदास बैठे हैं, मैं कब से नोट कर रहा हूँ। तो भाई तुम भी तैयार कराने हैं, चलो आपको भी तैयार करवाते हैं, चलो। हमें तो बिल्कुल ही तैयार नहीं करवाया। और वीडियो भी हमारे तो बाहर से कराते हैं। आप बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ आप। यार बताया नहीं आपने, भाईजान शर्मा रहे हैं, बताते नहीं बोले क्या? ये हमारे न्यू कमर हैं सुनुला साहब। जरा ऊंचा बोले, माइक नहीं है आज। माइक लेके आया था। हाँ बात बोल के यार। ये हमारे न्यू कमर हैं सुनुला साहब, माशाल्लाह से अच्छा काम करते हैं और इनका ताल्लुक डीजी खान से है। और ये चिलबार जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो उसके बाद इन्होंने 3-4 दिन बाद कहा था कि चिलबार नहीं छोड़ना आप, हमने ऐसा इनको लगाव हो गया चिलबार से। और ज़बरदस्त काम करते हैं और मेहनती लड़का है, और ये साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। इनसे जरा ये पूछें भाई, पहले तो आप आते नहीं थे, आप छोड़ने का नाम क्यों नहीं लेते? ये जरा इनके बारे में बताया, ये क्या वजह है? अल्फाज ही नहीं है इस किस्म के जो हम आपको बताएं। किस किस्म के जो है आप बयान करो, किस किस्म के अल्फाज हैं आप बयान करो, करो बयान करो। ये बताया आपकी मंगनी होगी अभी तक नहीं, अभी तक नहीं। दसो भाई जान क्यों नहीं छोड़ना चाहते आप? अभी एक महीना भी नहीं हुआ पूरा, अभी पहले छोड़ दे फिर क्या फायदा। लगता है कि पैसे पूसे चंगे कमा रहे हैं बच्चा, इसलिए छोड़ने को दिल नहीं कर रहा है इसको, यही बात है ना पैसे तो। और ये सबसे मजे की बात मैं आपको बताऊं, ये जो समीला साहब है ना, इनका नाश्ता 1 लीटर फेंटा की बोतल और 1.5 रोल बिस्किट के साथ होता है। मेरा नहीं ख्याल कि में कोई दुनिया में इस तरह का कोई बंदा नाश्ता करता होगा, इसलिए मोटा हुआ फिर रहा है। ही इज द वन एंड ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड जो फेंटा और बिस्किट के साथ नाश्ता करते हैं। ओए होए, ये क्या कौन सा नाश्ता है भाई, फेंटा और बिस्किट के साथ? पूछे ना इसका क्या फायदा। शहजाद साहब 1.5 घंटे से परेशान फिर रहे हैं, वजह ये बता नहीं रहे भाई, आप लोग ही पूछो इनसे। शहजाद बता दे भाई, बता दे भाई क्यों परेशान है, कुछ छोड़ देने गई कोई? सेब देने गया था। किसको? ऊपर कस्टमर को सेब। ऊपर कस्टमर कहाँ से आ गए? अहमद को। अच्छा अभी हमें भी दे दो भाई सेब, ऊपर बड़े सेब दे रहे हो आजकल आप। ऊपर वालों से लगाओ बहुत है, नीचे वालों से भी लगा लो, नीचे वालों से भी लगा लो भाई। क्या 5 लगाओ आप।